रवि पेशेंट है हमारे. रवि फर्स्ट सेशन कब लिया था यहाँ हेयर लॉस के लिए? आई थिंक 2 मंथ्स पहले लिया था. मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है बट इट वाज अराउंड 12 जून के आसपास था. अच्छा. तो जून से अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ. 2.5 महीने, 3 भी नहीं हुए पूरे. ये इनका बिफोर ट्रीटमेंट, इन्होंने अपने ही फोन में सेव किया हुआ है और ये इन्होंने अपने घर में ही फोटोग्राफ ली होंगी बिफोर ट्रीटमेंट. तो काफ़ी थिनिंग है मिडल एरिया में और वर्टेक्स में, बाल काफ़ी कम दिख रहे हैं इस फोटोग्राफ में. रवि नीचे रुकना, आज ही अपने सेशन के लिए आए थे. 2 सेशन हुए अभी तक, 2 ही हुए ना? Yes, exactly. तो बाल काफ़ी लंबे और मोटे हो गए हैं अभी. ये बिफोर आफ्टर डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, बिफोर एंड आफ्टर में. इवन वर्टेक्स विच इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट एरिया टू ट्रीट, उस हिसाब से यहाँ डेंसिटी और कवरेज काफ़ी अच्छी आ गई है. एंड आई वॉज सेइंग कि अब पीछे काला टीका भी लगा देते हैं, बाल बचे रहने चाहिए. बाल अच्छे हो गए हैं और बहुत खुशी हो रही है बाल के रिजल्ट्स देख के. और अभी बताएंगे अब ज़्यादा अच्छा. तो लाइक जैसे मैं 2 महीने पहले आया था और मेरी मतलब बालों की डेंसिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही थिनिंग हो रही थी. तो मैम ने मेरे को सजेस्ट करा कि आप एक बार FST लेके टेस्ट करो, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे. बट 2 सेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए. तो सेकंड के बाद बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया. आई वुड लाइक टू थैंक्स टू हर, उन्होंने बाल वापस ला दिए. या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. ये जेन्युइनली दिल से खुशी आ रही है. यस, थैंक यू. हंसी अंदर से आ रही है. चलो बढ़िया.